सुप्रभात। आज हम पुनः उपस्थित हैं व्याकरण के साथ। कल हमने सिखाया था संधि कैसे करते हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत कल हमने चर्चा की, कल संधि करना सीखा, आज विच्छेद करना सीखेंगे उसी यण संधि का। तो आइए पुनः वहीं चलते हैं जहां से कल हमने प्रारंभ किया था। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। एक में आने वाले वर्ण हैं ए ओ रे रे। यण का तात्पर्य होता है य व र ल। अच का तात्पर्य है सभी स्वर। ये सूत्र कहता है कि एक का यण हो जाते हैं अच का तात्पर्य सभी स्वर, यानी एक के आगे कोई असमान वर्ण आता है तो वो य व र ल हो जाते हैं। देखिए, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे हम संस्कृत पढ़ें या हम हिंदी पढ़ें, तो उसमें शब्द आता है। जैसे शब्द आया यद्यपि, तो बच्चों को हमें समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे कि यद्यपि का मतलब क्या है और ये कौन सी संधि है। तो हमें ये सूत्र पता होना चाहिए सही बच्चों को, अगर हम हिंदी को और संस्कृत को ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं तो आइए देखते हैं यद्यपि का मतलब क्या है, इसमें कौन सी संधि है और इसका विच्छेद कैसे करते हैं। या हम जब इस शब्द को पढ़ेंगे इसमें लिखा है यद्यपि, इसमें द हलंत है, तो यहां पर हम यह द को हलंत रखेंगे। इसके बाद आता है यह, यह में आप देख रहे हैं कि पहले से ही स्वर विलीन है। हमने व्याकरण में यह पढ़ा कि कोई भी वर्ण तब पूर्ण होता है जब उसमें स्वर विलीन होता है, तो इसमें कौन सा स्वर निकल के आता है अभी देखते हैं। य को हलंत किया य, तो जब हम उच्चरित कर रहे हैं य को तो हमारे मुख से पता चल रहा है य अ, पीछे जो उच्चारण होके वर्ण निकल रहा है वो है अ। तो य को हलंत किया, रह गया अ पी। अब इसका हलंत कब उठेगा, जब हमें इसके लिए भी स्वर चाहिए। तो ये यहां यह कैसे हुआ, इस नियम के अनुसार देखेंगे कैसे। य द धन एका यह हुआ, जब इसे विच्छेद करेंगे तो यह का ए हो जाएगा, क्या ए धन अपे। इसका अलंत तो समाप्त होगा जब ए दम विलीन हो जाएगी, य दे धन अपि, यद माने जो अपमाने भी। अब हम इसका अर्थ बच्चों को ठीक से समझा पाएंगे। अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह लिखा है अत्यधिक। अब बच्चों को समझाना है कि अत्यधिक का अर्थ क्या है, तो उसे तोड़ना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है उसका विच्छेद करना पड़ेगा। तो विच्छेद कैसे करेंगे, आइए एक उदाहरण से और देखते हैं। इसमें त आधा है यानी हलंत है, इसे हलंत ही रखेंगे। अ त, त किसमें है य में, तो य निकालेंगे। य में भी कोई स्वर विलीन है, हलंत करके देखते हैं क्या निकलेगा। अ इसमें से निकल के आया अ, अधि क। अब ये त हलंत है, अब ये पूर्ण वर्ण कब होगा, जब इस पर भी इसकी मात्रा आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, अ त यह काय में से बना होगा, यह संधि के अनुसार ए में से ना, अ धि क।
अब इसका हलंत का समाप्त होगा जब ए त में विलीन हो जाएगी मात्रा के रूप में, अति धन अधिक। अब हम बच्चों को समझा पाएंगे कि अत्यधिक का मतलब है कि जो आवश्यकता से अधिक हो। ये इस तरीके से हम संधि का विच्छेद करते हैं। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। यहां पर त हलंत करें, त हलंत है, हलंत रखेंगे प्र त धन य, य को हलंत करेंगे, निकल के आई ए, ए क। फिर से देखेंगे प्र त बोई य का ए, ए का य, प्र त ए धन ए क, प्रति धन एक। अब इसका बच्चों को समझाएंगे कि हर एक की तरफ। अब ये लिखा है अन्वेषक। अब बच्चों को इसका अर्थ समझाना है कि अन्वेषक का अर्थ क्या है, तो स्वाभाविक रूप में इसका विच्छेद करना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी कौन संधि है। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ निकल के आता है। न हलंत है इसमें, पहले से ही इसे हलंत ही रखेंगे। किसमें है, व में, व को हलंत करेंगे, क्या निकल के आएगा, ए स क, अन हलंत रखेंगे। व काय में से बना होगा, ओ में से, ओ का हुआ व, जब इसे विच्छेद करेंगे तो ओ का क्या हो जाएगा, व का ओ धन ए स एसक। अब इसका हलंत कब समाप्त होगा, जब ओ मात्रा के रूप में आ जाएगा, अनु धन एसक एसक, यानी छानबीन करने वाला। तो ये इस तरीके से बच्चों संधि को खोलते हैं, यानी विच्छेद करते हैं और उसका अर्थ बच्चों को समझते हैं, बच्चे समझते हैं, बच्चों को समझाते हैं। अब ये यहां देखेंगे, ये शब्द है बद्ध्वागम, गमन, बद्ध्वागमन। अब इसका अर्थ क्या है, बच्चे कैसे समझेंगे, तो बच्चे ये तरीका है समझने का कि ध हलंत है, इसको पुनः हलंत रखेंगे, व ध, अब इसमें से हलंत करें तो क्या निकल के आएगा, व, व को हलंत करें तो क्या है, कौन सा स्वर निकल के आएगा, दीर्घ आ, आगमन। व ध, व काय में से बना होगा, अभी हमने देखा ओ में से, ओ का क्या हुआ, व है ना, आगमन। अब व इसका हलंत का कब उठेगा, ध का, जब उ दीर्घ उ ध पर मात्रा के रूप में विलीन हो जाएगा, यानी ये वर्ण पूर्ण हो जाएगा, कैसे, बधु धन आगमन। तो बच्चों यही समझते हैं हिंदी का कठिन शब्दों के अर्थ। इसका अर्थ हुआ बधु का आगमन, यानी बहु का आना, बद्ध्वागमन का मतलब है बधु का आगमन। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। यहां है मधुबनी, आप पहले से देख रहे हैं ध हलंत है, यही तरीका है, ध को हलंत ही रखेंगे, और इसमें इसमें है ये व में भी कोई स्वर है, अ अ री, व को हलंत किया तो इसमें अ यानी ह्रस्व अ विलीन था, तो ये निकल के आया यहां अरी, म ध, व काय में से बना, ओ में से, धन अरी। अब इसका हलंत का समाप्त होगा जब ओ मात्रा के रूप में
द पर विलीन हो जाएगा। कैसे? मधो धन अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, मधु माने शहद, शहद का शत्रु, ऐसे हम अर्थ समझेंगे हिंदी में और संस्कृत में। अब इसमें लिखा है स्वागत, एक उदाहरण और देखते हैं। ये पहले से सह हलंत है, इसे हलंत ही रखेंगे। स किसमें है? वो में, वो में भी कोई स्वर विलीन है, कौन सा है? दीर्घ आ आगत, हलंत किया तो लेके आया दीर्घ आ आगत। स निश्चित रूप से वो उमे से बना होगा, उका वो हुआ है धन आगत। अब स को पूर्ण वर्ण कब बनेगा? जब ये ओ स पर मात्रा के रूप में विलीन हो जाएगा, इसका अर्थ सो धन आगत। सो माने अच्छा, आगत माने आना, यानी अच्छा आगमन, सुंदर आगमन, इसे कहते हैं सो धन आगत। यहां देखेंगे एक उदाहरण और, स्वस्ति। स पहले से हलंत है, इसे आधा रखेंगे, किसमें है? वो में, वही तरीका है, इसमें से निकालेंगे कौन सा स्वर निकलेगा? स्वस्ति यानी दीर्घ ह्रस्व अ, सॉरी ह्रस्व अ, अस्ति। अब स हलंत ओ में से क्या बना? ये सूत्र के अनुसार धन अस्ति। अब स का हलंत का समाप्त होगा जब ये ओ मात्रा के रूप में स पर विलीन है, सो धन अस्ति। सो माने अच्छा सुंदर, अस्त माने है। अब ये बच्चों को समझ में आएगा, सो माने अच्छा, अस्त माने है। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्थ का अर्थ है जो अच्छा है। इस तरीके से हम शब्दों के अर्थ को तोड़ करके निकालते हैं। तो स्वस्थ का अर्थ क्या समझेंगे? सो धन अस्त यानी जो अच्छा है। अब आगे देखते हैं रे का उदाहरण, इसे तोड़े कैसे? मात्रां मात्रानंद। अब क्या अर्थ है इसका? निश्चित रूप से कोई संधि है, कैसे इसका आप समझेंगे तो अभी देखते हैं। यहां मां, इसमें त और र के मिलने से त्र बनता है, व्याकरण के अनुसार ये संयुक्ताक्षर है, तो मां त हलंत निकाल देंगे और हलंत किया तो निकल के आया र, हलंत किया तो इसमें से निकला दीर्घ आ आनंद। मां तो अब इस सूत्र के अनुसार रे का र हुआ है तो र का क्या होगा? रे। रे आनंद। अब ये वर्ण कब पूर्ण होगा? जब ये मात्रा के रूप में त्रि पर त पर विलीन हो जाएगा। कैसे होगा? मां मात्रा वाले आएंगे, मातृ ये त पर आया, इसके बाद बचा आनंद। यानी अब इसका अर्थ बच्चे समझेंगे कि जो मां का आशीर्वाद मिलता है, मां की शुभकामनाएं मिलती हैं और माता के हाथ का सुख मिलता है, उसे कहते हैं मातृ धन आनंद। अब इस तरीके से हम अर्थ इसका समझ पाए। तो इस तरीके से जटिल शब्दों का अर्थ हम समझते हैं संधि के द्वारा, इसीलिए संधि आवश्यक है पढ़ना। तो संधि अच्छी हिंदी करने के लिए, अच्छी संस्कृत समझने के लिए संधियों का आना अति आवश्यक है। एक और देखते हैं रेखा उदाहरण, पित्राज्ञा। यहां पर देखेंगे पित, वही तरीका है अभी जो बताया, त हलंत करेंगे,
र आ जाएगा, र को अंत किया दीर्घ आ आद्या। और अभी हमने देखा कि ऋ में से र बना यण संधि के सूत्र के अनुसार, तो यहां भी ये र का ऋ हुआ। अब जब इसे पूर्ण करेंगे तो ये ऋ मात्रा के रूप में त पर आएगी, कैसे पितृ है ना, आज्ञा। अब इसका जब हमने विच्छेद किया तो समझ में आ गया कि पितृज्ञा का अर्थ क्या है, पिता की आज्ञा, पिता का आदेश, पिता की अनुमति, ये इसका अर्थ हमने यहां समझा। तो बच्चों कल हमने सीखा संधि करना और आज हमने सीखा विच्छेद करना। अब आप अपनी पुस्तक से और अभ्यास करेंगे जिससे कि हिंदी को और सुकर सुलभ बनाया जाए। कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।